दोस्तों, आज हम आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक बेहद ही शानदार कोरियन मूवी है जिसे कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। मूवी का नाम है पैरासाइट और इस मूवी को देखने के बाद आप भी कहीं ना कहीं ये महसूस करेंगे कि आखिर जो भी कुछ इस मूवी में दिखाया गया है वो सब आज की दुनिया में हो रहा है। ये वो फिल्म है जिसने कि ऑस्कर अवार्ड्स में धमाल मचा दिया था और एशिया का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया था। तो आइए अब बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत तक आप ये भी जान जाएंगे कि क्यों ये मूवी इतनी यूनिक है। मूवी की शुरुआत में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें कि चार लोग रहते हैं। परिवार का मुख्य सदस्य कीटेक होता है जिसकी पत्नी का नाम चंग सुक होता है। इन दोनों के दो बच्चे भी होते हैं जिनका नाम कीवू और कीजंग होता है। ये बेहद ही गरीब होते हैं और इनके पास कोई भी जॉब नहीं होती। घर चलाने के लिए पिज्जा बॉक्सेस बनाते हैं और मुश्किल से ये उससे अपने लिए खाना जुटा पाते हैं। जहाँ पे इनका घर होता है वो एक ऐसी गली में होता है जहाँ पर चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। साथ ही पूरे कोरिया में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है जिससे जॉब्स का मिल पाना काफी मुश्किल हो गया है। अब एक दिन कीवू का दोस्त उसके घर आता है और वो कीवू को एक पत्थर देता है और इन्हें बताता है कि जिसके भी पास ये पत्थर होता है वो सारी गरीबी से मुक्त हो जाता है और ये पत्थर उन्हें उसके दादाजी ने भेजा है। बाद में कीवू जब बाहर अपने दोस्त के साथ बैठा होता है तो उसके दोस्त को पता चलता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बुरी है। तो वो कीवू से कहता है कि वो किसी खास सिलसिले से बाहर देश जा रहा है तो कीवू के लिए उसके पास एक काम है। कीवू का दोस्त एक हाई स्कूल की लड़की को इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाता है, लेकिन चूंकि अब वो बाहर देश जा रहा है तो कीवू उस लड़की को इंग्लिश पढ़ा सकता है जिसके बदले उसे काफी अच्छे पैसे भी मिलेंगे। और उसका दोस्त उसे उस घर का पता देता है जहाँ पे उसे ट्यूशन पढ़ाना होता है। उसका दोस्त उसे ही ये जॉब इसलिए देता है क्योंकि वो कीवू को अपने एक बहुत अच्छा दोस्त मानता है और उसे भरोसा होता है कि कीवू उस लड़की पे लाइन नहीं मारेगा क्योंकि कीवू का दोस्त उस लड़की से प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि कोई और उसे ट्यूशन पढ़ाए और उस पे लाइन मारे। और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से वो उस जॉब को कीवू को ही देता है। लेकिन कीवू के पास कोई भी बड़े रेपुटेटेड कॉलेज की डिग्री नहीं होती, वो सिर्फ एक साधारण कॉलेज से पढ़ा होता है। लेकिन वो अपनी बहन से एक बड़े कॉलेज की फेक डिग्री बनवा लेता है। यहाँ पे आपको बता दें कि कीवू की बहन की जंग काफी अच्छी ग्राफिक डिजाइनर होती है तो वो उसके लिए एक हाई यूनिवर्सिटी की फेक डिग्री बना लेती है। जब कीवू अपने इंटरव्यू के लिए उस घर में जाता है तो वो वहाँ की मालकिन से मिलता है जिनकी बेटी को उसने ट्यूशन पढ़ाना होता है। इस बच्ची का नाम दहाई होता है और दहाई की मदर कीवू से कहती है कि उसे पहले दहाई को उसके सामने पढ़ाना होगा ताकि उसे पता चले कि कीवू के पढ़ाने का ढंग सही भी है या नहीं। तो दहाई को पढ़ाते दौरान उसकी मदर भी कीवू के पढ़ाने के ढंग को ऑब्जर्व कर रही होती है। ट्यूशन जब खत्म होता है तो दहाई की मदर यानी मालकिन कीवू को बताती है कि उसके पढ़ाने का ढंग काफी अच्छा है, इसीलिए वो दहाई का ट्यूटर उसे ही हायर कर देती है। वो उसे उसके ट्यूशन की पगार देती है और कीवू को बताती है कि उसका बेटा दा सोंग भी काफी टैलेंटेड है जो कि पेंटिंग का शौक रखता है, लेकिन उसके लिए कोई भी टीचर नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कई टीचर्स ने उसे ट्यूशन दिया लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। ये सुन कीवू को अपनी बहन की जंग का ख्याल आता है और वो उसे कहता है कि वो एक जैसिका नाम की लड़की को जानता है जो कि उनके बेटे को ट्यूशन दे सकती है। यहाँ पे कीवू झूठ बोलता है कि जैसिका ने एक रेपुटेटेड कॉलेज से डिग्री ली हुई है और वो उनके बेटे दा सोंग के लिए एक अच्छा टीचर हो सकती है। कीवू मालकिन से कहता है कि वो कल उन्हें जैसिका से मिलवा सकता है। इस बात पर मालकिन राजी हो जाती है और दूसरे दिन कीवू के साथ उसकी बहन भी इस घर में आ जाती है। लेकिन ये दोनों मालिक मालकिन से ये पहचान छुपाते हैं कि ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। कीवू दहाई को ट्यूशन पढ़ाने जाता है तो वहीं नीचे की जंग मालिक के बेटे को ट्यूशन पढ़ाती है। वहीं ऊपर ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते दहाई को कीवू से प्यार हो जाता है और ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वहीं की जंग जब नीचे दा सोंग को ट्यूशन पढ़ा रही होती है तो वो मालकिन को बताती है कि उनका बेटा टैलेंटेड नहीं बल्कि पेंटिंग्स को कॉपी करता है, लेकिन वो उसे एक बेहतर आर्टिस्ट बना सकती है। तो मालकिन की जंग को भी अपने बेटे का ट्यूटर हायर कर देती है। अब इन दोनों भाई बहनों की जॉब एक ही घर में लग जाती है, लेकिन इन्होंने ये पहचान छिपाई हुई है कि ये दोनों भाई बहन हैं। ये दोनों भाई बहन चाहते हैं कि इनके पिता की भी जॉब वहीं पे लग जाए, तो इसके लिए कीजंग एक शानदार प्लान बनाती है। दरअसल एक दिन वो देर रात तक दा सोंग को ट्यूशन पढ़ाती है और जब ट्यूशन की छुट्टी होती है तो डोंगिक जो कि इस घर का मालिक होता है वो अपने ड्राइवर को कहता है कि वो कीजंग को उसके घर तक ड्रॉप कराए।
अब जब मालिका ड्राइवर की जंग को घर छोड़ने के लिए जाता है तो की जंग उसे बताती है कि वो उसे सिर्फ रेलवे स्टेशन तक छोड़ दे, वो ट्रेन पकड़कर खुद ही वहां से निकल जाएगी। लेकिन बीच रास्ते में की जंग जानबूझकर अपने प्राइवेट कपड़े उस कार में ही निकालकर छोड़ देती है। अब जब सुबह मालिक ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो उसे की जंग का प्राइवेट कपड़ा दिख जाता है और रात को वो घर आकर अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है कि उनका ड्राइवर कार में ये सब करता है, जिसके बाद वो ड्राइवर को निकाल देते हैं। और अब इस बात का फायदा उठाकर किवू उनसे कहता है कि वो एक ड्राइवर को जानता है जो कि पहले उसके पिता के भाई के लिए ड्राइविंग करते थे और अगर वो चाहे तो वो उन्हें एज अ ड्राइवर रख सकते हैं, जिसपे मालिक और उसकी पत्नी इस बात के लिए मान जाते हैं। और दूसरे दिन जब डोंग युक यानी कि मालिक जब ऑफिस में होता है तो किवू के पिता की टेक मालिक से मिलने जाते हैं और इन सब का प्लान काम कर जाता है, यानी कि मालिक की टेक को एज अ ड्राइवर रख लेता है। और इस तरह इनके परिवार में अब 4 में से 3 मेंबर एक ही घर में काम करने लगते हैं। लेकिन अभी भी इन्होंने पहचान छुपाई होती है और इनकी यहाँ पे एक बिल्कुल नई पहचान होती है। ये घर के तीनों मेंबर यहाँ से काफी अच्छा पैसा कमाते हैं और अब इनकी लाइफ पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। लेकिन जैसे इंसानों का लालच हमेशा बढ़ता ही जाता है तो ये तीनों एक घर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी ये चाहते हैं कि उनकी मॉम भी वहाँ पे एज अ मेड लग जाए। लेकिन इसके लिए उन्हें पहले उस घर की मेड को वहां से निकालना होगा। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो मेड उस घर में काम कर रही है वो कई सालों से वहां पर है और उसका मालिक मालकिन से काफी बढ़िया रिश्ता है, यहां तक कि वो उस मेड को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन की जंग यहाँ पे फिर से अपना दिमाग चलाती है। उसे पता होता है कि उस घर की मेड को पीच के बाहर लगे पाउडर से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, यहाँ तक कि हम आम इंसानों को भी पीच के पाउडर से एलर्जी होती है। तो दूसरे दिन की जंग पीच का पाउडर उस मेड पे छिड़क देती है और वो सीधे डॉक्टर को कंसल्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। अब यहाँ पे इन्होंने पहले से एक प्लान बनाया होता है। दरअसल जब वो मेड हॉस्पिटल में बैठी होती है तो कीटेक वहाँ पे पहुँच जाता है और एक सेल्फी लेता है जिसमें वो अपने पीछे बैठी मेड को भी कैप्चर कर लेता है। अब जब आगे कीटेक मालकिन को शॉपिंग के लिए ले जाता है तो वो मालकिन को वो सेल्फी दिखाता है जो कि उसने सुबह हॉस्पिटल में ली थी। वो मालकिन को बताता है कि उसने उनकी मेड को हॉस्पिटल में देखा था और ना चाहते हुए भी उसने उसकी बातें सुन ली थी। कीटेक मालकिन को बताता है कि उन्हें ये जानकर बहुत बुरा लगेगा लेकिन उनकी मेड को ट्यूबरक्लोसिस है। मालकिन ये सुन काफी डर जाती है लेकिन उसे अभी अपने ड्राइवर की बातों पे पूरा विश्वास नहीं होता। और बाद में शॉपिंग करने के बाद जब ये दोनों घर के लिए आ रहे होते हैं तो कीटेक कीजंग को एक मैसेज करता है कि वो 3 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। इस मैसेज को पढ़ की जंग दोबारा से पीच पाउडर को लेके तैयार हो जाती है और दोबारा उसे मेड पर छिड़क देती है जिससे मेड को खांसी होने लगती है। और इसी वक्त मालकिन भी कीटेक के साथ घर पे पहुंच जाती है और वो ये सब देख लेती है। मेड खांसने के बाद एक टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंकती है और कीटेक बड़ी चालाकी से उस टिश्यू पेपर पर सॉस छिड़क देता है। और जब वो मालकिन को वो टिश्यू पेपर दिखाता है तो मालकिन को अब पूरा विश्वास हो जाता है कि उनकी मेड एक टीबी की पेशेंट है। मालकिन कीटेक को बताती है कि वो इसके बारे में उनके पति को कुछ भी ना बताए क्योंकि इससे वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए वो अपनी मेड को कोई और कारण बताकर खुद ही घर से निकाल देगी। बाद में मालकिन ना चाहते हुए भी अपने परिवार जैसी मेड को भी अपने घर से निकाल देती है, ये कहकर कि उन्हें उसका बनाया खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर कीटेक अपनी वाइफ को एज अ मेड वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता है और उसकी भी वहाँ पे जॉब लग जाती है, यानी कि एक एक कर इनका पूरा परिवार एक ही घर में जॉब लग जाता है। और अब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह ठीक हो चुकी है, अब इन्हें पहले की तरह खाना खाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती, ये काफी अच्छा खाते हैं और खूब सारा पैसा कमाते हैं। ये सब यहाँ पे काम तो कर रहे होते हैं लेकिन इस घर के मालिक मालकिन को बिल्कुल भी शक नहीं होने देते कि ये चारों एक परिवार है। सब कुछ सही जा रहा होता है कि एक दिन इनके मालिक मालकिन के छोटे बेटे का बर्थडे आ जाता है तो वो सब एक पिकनिक प्लान करते हैं। किवू की स्टूडेंट दहाई अपने परिवार के साथ पिकनिक पे नहीं जाना चाहती है क्योंकि वो किवू से प्यार करती है और उसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन फिर उसे घर वालों के साथ पिकनिक पे जाना ही पड़ता है। ये सारी फैमिली जैसे ही इस घर से निकलती है तो ये चारों इस घर के वर्कर एक राजा की तरह इस घर को अपना समझ लेते हैं और खूब दारू पार्टी करते हैं। ये इस हद तक नशे में हो जाते हैं कि ये खुद को भी संभाल नहीं पाते। लेकिन इसी बीच घर के डोर पे एक बेल बजती है और ये चारों डर जाते हैं कि भला इस टाइम दरवाजे पे कौन होगा।
ये सीसीटीवी कैमरास की मदद से देखते हैं तो पुरानी मेड दरवाजे पे खड़ी होती है। जब चंग सुक दरवाजे को ओपन करती है तो पुरानी मेड उसे बताती है कि वो अपना एक लगेज यहीं पे भूल गई थी और वो उसे ही लेने यहाँ पे आई हुई है। पुरानी मेड अंदर आती है और सीधे बेसमेंट में अपना लगेज लेने के लिए चली जाती है। पहले तो इन चारों को कोई भी गड़बड़ नहीं लगती, लेकिन जब पुरानी मेड काफी देर तक बाहर नहीं आती तो चंग सुक खुद ही बेसमेंट में चली जाती है। चंग सुक देखती है कि वो औरत एक बड़ी अलमारी को धक्का मार रही है, लेकिन वो उसे खिसका नहीं पा रही है क्योंकि अलमीरा के नीचे एक प्लेट फंसी होती है। चंग सुक उस प्लेट को वहां से हटाती है, जिसके बाद अलमीरा मूव हो जाती है और हम देखते हैं कि अलमीरा के पीछे एक रास्ता है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। और आज तक ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि इस घर के अंदर ऐसा भी कोई रास्ता है। पुरानी मेड नीचे जाती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उसी मेड का पति होता है। ये देख चंग सुक की चढ़ी हुई दारू एक झटके में उतर जाती है। पुरानी मेड चंग सुक को बताती है कि ये आदमी उसका पति है और उसने कई सालों से इसी बेसमेंट में उसे छिपा के रखा हुआ है क्योंकि उसके पति के ऊपर बहुत सारा कर्जा है और अगर उसका पति बाहर गया तो वो लोग उसके पति को मार देंगे क्योंकि अभी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनका कर्जा चुका पाए। पुरानी मेड चंग सुक से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक हफ्ते में एक बार उसके पति को खाना दे दिया करे, बाकी यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है तो उसका पति खाना खुद ही खा लेगा। लेकिन चंग सुक को ये जानकर धक्का लगता है और वो उसे बताती है कि वो पुलिस को कॉल करने वाली है और ये बात वो मालकिन को भी बता देगी। लेकिन पुरानी मेड चंग सुक से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे। वहीं चंग सुक का पति और उसके दोनों बच्चे छिपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि तभी एक का पैर फिसलता है और वो तीनों एकदम से इनके सामने आ गिर पड़ते हैं। वहीं गिरते वक्त की जंग के मुंह से गलती से पापा शब्द निकल जाता है और इनके गिरते ही वो पुरानी मेड समझ जाती है कि ये सब पूरा एक परिवार है और इन्होंने धोखे से यहाँ पे जॉब को पाया है। तो वो तुरंत अपने मोबाइल से इनका वीडियो रिकॉर्ड करती है और इन्हें धमकी देती है कि वो ये वीडियो मालिक मालकिन को भेज देगी। जो औरत कुछ देर पहले चंग सुक से रहमत की भीख मांग रही थी, अब चंग सुक उस लेडी से रहमत की भीख मांगती है। वो पुरानी मेड अपने पति को ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे ले आती है और इन चारों को हैंड्सअप करने को कहती है। जब ये चारों ऐसा करते हैं तो वो फिर से इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, जिसमें वो इनकी की गई अयासी को भी रिकॉर्ड कर लेती है, यानी कि वो पार्टी टेबल जिसमें कि इन सब ने दारू पी थी। अब इन चारों के पास कोई भी रास्ता ना होने पर ये चारों उन दोनों पे हमला कर देते हैं और उस लेडी से मोबाइल छीन कर उसका रिकॉर्डेड वीडियो डिलीट कर देते हैं। अब इस कहानी में एक मोड़ और आता है, जब इन सब के बीच झगड़ा चल रहा होता है कि तभी फोन रिंग बजने लगती है। चंग सुक जब फोन को उठाती है तो कॉल पे मालकिन होती है जो कि उसे कहती है कि उन्होंने भारी बारिश के कारण पिकनिक को कैंसिल कर दिया है और अब वो 8 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं, तो चंग सुक उनके लिए जल्दी से खाना बना दे। इतना कह के मालकिन कॉल को काट देती है और अब ये चारों मुश्किल में पड़ जाते हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या। इन्हें सब कुछ 8 मिनट के अंदर मैनेज करना होता है और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो लेडी और उसका हस्बैंड। ये चारों उन दोनों के हाथ पैर बांधते हैं और उन्हें दोबारा से बेसमेंट में बंद कर देते हैं। यहाँ पे वो पुरानी मेड ऊपर आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चंग सुक उसे लात मारकर नीचे बेसमेंट में गिरा देती है, जिससे पुरानी मेड को काफी चोट लग जाती है और उसकी मौके पे वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन इस बात का पता इन चारों को नहीं लगता। कुछ ही देर बाद मालिक और मालकिन दोनों अपने बच्चों के साथ घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक इन चारों ने सब कुछ ठीक कर दिया होता है और मालिक मालकिन को शक भी नहीं होता है कि यहाँ पे कुछ देर पहले क्या हुआ था। वहीं कीटेक की जंग और कीवू एक बेड के नीचे छिप जाते हैं तो वहीं चंग सुक उनके लिए खाना बनाती है और इसी दौरान मालकिन चंग सुक को एक सीक्रेट बताती है। मालकिन बताती है कि एक बार उसके बेटे दसोंग के बर्थडे पे जब दसोंग किचन में केक खा रहा था तो तब उसे वहाँ पे एक डरावनी आवाज सुनाई दी थी, जिसके कुछ ही देर बाद उसने किचन में एक भूत को देखा और फिर वो वहीं पे बेहोश हो गया। और यही रीजन है कि वो हमेशा दसोंग का बर्थडे हमेशा भारी मनाते हैं। लेकिन अब ये सीक्रेट चंग सुक के लिए सीक्रेट नहीं रहता क्योंकि उसे पता होता है कि मालकिन जिस भूत की बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि पुरानी मेड का ही पति था, जो कि उस दिन खाना लेने के लिए किचन में आया होगा और तब दसोंग ने उसे देख लिया होगा। अब कुछ देर बाद मालिक और मालकिन बेड में एक साथ समय बिताते हैं और इसी बेड के नीचे ये तीनों छिपे होते हैं। मालिक मालकिन को बता रहा होता है कि उसके ड्राइवर से उसे काफी गंदी बदबू आती है और वैसे ही बदबू उसे अभी भी सुंघाई पड़ रही है। इस पे मालकिन भी उन्हें बताती है कि जो भी चार लोग यहाँ पे काम करते हैं उन सब में एक अजीब तरह की बदबू आती है।
अपने बारे में ये सुन बेड के नीचे इन तीनों को काफी बुरा लगता है कि अमीर लोग किस तरह गरीबों के प्रति अपने विचार रखते हैं, और यही बात उन्हें अंदर से तोड़ कर रख देती है। बाद में मौका पाकर ये तीनों भारी बारिश में अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन चंग सूक इधर ही रहती है क्योंकि वो इस घर की हाउसकीपर है। यहाँ पे इन सबको इस बात का डर होता है कि अगर पुरानी मेड ऊपर आ गई तो इन सब की जॉब तो जाएगी ही, लेकिन साथ ही इन्हें जेल भी हो सकती है। उधर जब ये तीनों घर पहुँचते हैं तो पाते हैं कि भारी बारिश के कारण इनके घर के अंदर सारा पानी चले गया है, और जितने भी गरीब लोग इस बस्ती में रह रहे थे वो सारे के सारे अब बेघर हो चुके हैं। साथ ही ये तीनों भी अब बिना घर के हैं। ये एक शेल्टर में जाते हैं जहाँ पे इनके मोहल्ले के सारे बेघर लोग रह रहे होते हैं। ये तीनों वहीं पे रात बिताते हैं, और जब सुबह होती है तो अब हमें महसूस होता है कि आखिर समाज में गरीबों की क्या स्थिति है। इनके पास डिग्री है, टैलेंट भी है, लेकिन कोई जॉब नहीं है। गरीब हर पल चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं, ना ही इनको कोई ठीक से ट्रीट करता है और ना ही इन्हें कोई अपनी बराबर की अहमियत देता है। इन सबके पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ इनके मालिक और मालकिन दोनों ये डिसाइड करते हैं कि बारिश होने के कारण आज मौसम सही बना हुआ है तो ये अपने बेटे के बर्थडे पार्टी आज ही देंगे। यहाँ पे जिस बारिश के लिए अमीर लोग भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं, उसी बारिश ने गरीबों को बेघर कर दिया है। लेकिन अब पार्टी की तैयारी होती है और मालिक सभी हाई फाई क्लास के लोगों को अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पे बुलाता है। साथ ही उन्होंने इन चारों को भी पार्टी में इन्वाइट किया होता है। पार्टी की तैयारियां शुरू होती है और सारे बड़े लोग इनकी पार्टी में आते हैं। साथ ही कीटेक, की जंग और चंग सुक भी इस पार्टी में होते हैं। तो वहीं कीवू अंदर द हाई को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है। जब कीवू द हाई का ट्यूशन खत्म करता है तो द हाई उससे लिपट जाती है। ये दोनों एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे, लेकिन कीवू जानता है कि उस लड़की की क्लास काफी हाई है और वो एक गरीब है, तो द हाई उसके लिए ठीक नहीं होगी। और यही स्टैंडर्ड्स का खेल आज के जीवन में भी होता है। जो हमें पसंद होता है और अगर वो हाई क्लास से है तो ना चाहकर भी हमें अपने मन को मारना पड़ता है, भले ही चाहे हम उससे कितना ही प्यार क्यों ना करते हो। यही कीवू के साथ भी होता है। वो अच्छी तरह से जानता है कि द हाई की फैमिली एक हाई क्लास रिच फैमिली है, और वो एक ऐसे परिवार से आता है जिनके पास अपना घर तक नहीं है। यहाँ तक उन सब ने यहाँ पे जॉब भी धोखे से पाई है, और अब वही जॉब पुरानी मेड के चक्कर में खतरे में पड़ चुकी है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद बेसमेंट में जाएगा और उन दोनों को मार देगा। वो ऐसा ही करता है। वो एक पत्थर लेके बेसमेंट में जाता है तो पाता है कि वो औरत पहले से ही मर चुकी है, लेकिन उसका पति उस पे छिपके वार कर देता है और उसे बेहद बुरी तरह मारता है। कीवू के सर से बहुत खून बहने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो आदमी किचन से चाकू लेकर पार्टी एरिया में आ जाता है, जहाँ पे उसे की जंग दिख जाती है जो कि बर्थडे केक को कैरी कर रही होती है। वो सीधे जाकर चाकू से की जंग के सीने पे वार कर देता है, जिससे की जंग काफी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। और फिर उस आदमी और चंग सूक में हाथापाई होती है, और कई कोशिश के बाद चंग सूक उस आदमी को मारने में कामयाब रहती है। वहीं कीटेक अपनी बेटी के घाव पे हाथ रखता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। की जंग मरने की कगार पे होती है, लेकिन तभी उसका मालिक उसे गाड़ी निकालने को कहता है, और यही देख कीटेक को काफी गुस्सा आता है कि उसकी बेटी जख्मी हालात में नीचे पड़ी हुई है और उसे अपने दोस्तों को घर छोड़ने की पड़ी हुई है। तो कीटेक गुस्से में उसकी तरफ चाबी फेंकता है, लेकिन वो चाबी उस पुरानी मेड के पति के डेड बॉडी के पास गिर जाती है। मालिक जब उस चाबी को उठाने जाता है तो अपनी नाक पे हाथ रख लेता है, क्योंकि कई सालों तक बेसमेंट में बंद होने के कारण उस शख्स से भी वैसे ही बदबू आ रही थी। लेकिन ये सब देख कीटेक को काफी बुरा लगता है, क्योंकि जहाँ पर लोग जख्मी हालात में गिरे पड़े हैं, यहाँ तक कि एक की डेथ भी हो चुकी है, वहाँ पर वो अमीर मालिक इनको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय वो अपने साथियों को घर छोड़ने की बात कर रहा है। और यही सोच कीटेक को काफी गुस्सा आता है, और वो वही चाकू लेकर मालिक पे वार कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। और इस तरह यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी पूरी तरह खून से सन चुकी थी। बाद में कीवू और की जंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन की जंग की मौत हो जाती है तो वहीं कीवू बच तो जाता है, लेकिन कुछ दिनों तक वो कोमा में ही रहता है। जब वो कोमा से बाहर निकलता है तो उसे और उसकी माँ चंग सूक को कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट उन पे सजा के साथ फाइन भी लगाता है, और साथ ही कीवू के पिता कीटेक को काफी लंबी सजा सुनाई जाती है। लेकिन कीटेक का घटना स्थल के बाद कोई भी अता पता नहीं होता, और कीवू भी नहीं जानता कि आखिर उसके पिता कहाँ पे हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है कि जिस घर में वो जॉब करते थे वहाँ की मालकिन उस घर को छोड़ देती है, और अब वहाँ पे एक जर्मन फैमिली रहती है।
फिर हमें कीटैक को दिखाया जाता है जो कि दुनिया से छिपकर उसी घर के बेसमेंट में रह रहा होता है। और पुलिस को इस बेसमेंट का पता इसलिए नहीं लगा क्योंकि जिनको ये पता था वो मर चुके हैं और कीवू और उसकी माँ कोर्ट में उस बेसमेंट का जिक्र भी नहीं करती है, जिस वजह से ये अभी भी एक सीक्रेट है कि उस घर में एक बेसमेंट भी है। हमें दिखाया जाता है कि कीटैक मॉर्स कोड से लाइट के जरिए बाहर मैसेज भेजता रहता है ताकि उसका बेटा कभी ब्लिंकिंग लाइट को देखे और उसका बेटा उसका मैसेज डिकोड कर पाए। यही होता भी है कि कीवू उस ब्लिंकिंग लाइट को देख लेता है और ब्लिंकिंग टाइमिंग यानी कि मॉर्स कोड को वो डिकोड कर लेता है और उसे ये पता चल जाता है कि उसके पिता आज भी उसी बेसमेंट में हैं। वो अपने पिता को एक मैसेज भेजता है जिसमें वो लिखता है कि एक दिन वो इतना अमीर बन जाएगा कि वो उसी घर को खरीद लेगा और तब वो सब वहाँ पर रह सकेंगे। और ऐसा ही होता भी है कि कीवू एक दिन अमीर बनकर उस घर को ही खरीद लेता है, लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये सब उसके ख्याल यानी कि इमेजिनेशन मात्र थी, बल्कि रियलिटी में उनके हालात अब पहले से भी खराब हो चुके हैं। और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। और अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन पूरा सुना तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि आखिर इस मूवी में विलेन कौन है, और यही चीज इस मूवी को रियलिस्टिक बनाती है। अगर एक तरफ कीवू को देखा जाए तो उसने अपने दोस्त को धोखा दिया क्योंकि उसके दोस्त को दहाई से प्यार था, इसीलिए उसने कीवू को उसके ट्यूशन के लिए चुना ताकि कोई और ट्यूटर दहाई से फ्लर्ट न कर पाए। लेकिन कीवू अपने दोस्त को धोखा देकर फ्लर्ट से आगे भी बढ़ जाता है। एक तरफ ये चारों झूठ बोलकर अमीर फैमिली में अपना जॉब लगवा लेते हैं तो वहीं वहां जाकर ये बेसमेंट में मजबूर पुरानी मेड और उसके पति के साथ ऐसा करते हैं। वहीं पुरानी मेड भी अपनी जगह गलत थी कि उसने अपने पति को बहुत सालों से यहाँ पे छिपाया हुआ था। वहीं मालिक मालकिन की भी अगर बात की जाए तो वो भी बिल्कुल सही थे क्योंकि हम आम लोग भी बदबू वाली जगह पे नहीं जाते। भले ही उन चारों ने वहाँ पे धोखे से जॉब पाई पर कभी भी मालिक मालकिन ने उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन जब कोई सामने मर रहा हो तो तब भी मालिक का इस तरह स्वार्थी बनना सही नहीं है, इसलिए ये मानसिकता भी घटिया है। और यही इस मूवी की खासियत है कि ये हमें और हमारे से बहुत ही ज़्यादा हद तक रिलेट करती है और ऐसी ही मूवी ऑस्कर में दम दिखा पाती है। खैर, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो।